हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धनतेरस के बारे में कि 2023 में धनतेरस कब पड़ रही है। इस साल दोस्तों दिवाली का त्यौहार आने वाला है और ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि धनतेरस में खरीदारी का शुभ मुहूर्त कब है, कब हम धनवंतरि जी की पूजा कर सकते हैं, साथ में ही कब सोना चांदी बर्तन आदि खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं सारा आपको बताने वाली हूँ कि कितने बजे पूजा का मुहूर्त है, कितने बजे आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं, सोना चांदी आभूषण सारी चीजों को आपको कब खरीदनी चाहिए, इसी के साथ आपको कब नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ और वीडियो के एंड में शेयर करूंगी एक जरूरी टिप जो कि आप वीडियो में बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हिंदू धर्म में दिवाली को सुख समृद्धि और खुशहाली का त्यौहार माना जाता है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का विधान है। इस साल दिवाली के जश्न की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन धनवंतरि देव, कुबेर देवता और मां लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। इसी के साथ धनतेरस के दिन कई चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ वस्तुओं की खरीदारी से घर के सदस्यों को पूरे साल भर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और घर में तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों 2023 में धनतेरस के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और खरीदारी के शुभ वस्तु के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धनतेरस का शुभ मुहूर्त। हर साल दोस्तों कार्तिक मास पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदा तिथि के अनुसार इस बार 10 नवंबर को ही धनतेरस मनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त कब है। तो धनतेरस के दिन दोपहर 2:35 से लेकर 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 तक खरीदारी का शुभ मुहूर्त बन रहा है। धनतेरस के मौके पर सोना चांदी बर्तन आभूषण या फिर आप मोबाइल गाड़ी बाइक कार खरीदारी बेहद शुभ माना जाता है। पूजा का शुभ मुहूर्त अगर दोस्तों मैं बताऊं तो पंचांग के अनुसार धनतेरस में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:45 से शुरू होकर 7:42 पर समाप्त होगा। इस शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी, गणेश, कुबेर देवता और धनवंतरि देवता की पूजा अर्चना का बहुत महत्व होता है। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं कि आपको इसमें पूजा विधि कैसे रखनी है, तो धनतेरस के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा में गणेश जी, लक्ष्मी, कुबेर देवता और धनवंतरि देव की प्रतिमा स्थापित करें। अब मंदिर में दीपक जलाएं और विधिवत सभी देवी देवताओं की पूजा करें। इन्हें धूप, दीप, फल, फूल, अक्षत, चंदन, इत्र, मिठाई समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। इसके बाद कुबेर देवता के मंत्र ओम हेम कुबेराय नमः का जाप करें। धनवंतरि स्त्रोत मात्र का पाठ करें। इसके साथ ही माता लक्ष्मी के मंत्रों की जाप करें और सुख समृद्धि की कामना करते हुए सभी देवी देवताओं का ध्यान करें। दोस्तों जो इसमें खरीदारी का मुहूर्त है, अगर उसमें आप जैसे कि सोना हुआ, चांदी हुई, बर्तन हुए या आभूषणों में कुछ भी आप लेते हैं तो इस दिन खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह की चीजें अगर आप खरीदते हैं तो साल भर आपके घर में लक्ष्मी की आवक बनी रहती है और बिल्कुल भी लक्ष्मी की तंगी नहीं होती है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम ये पूजा करते हैं धनवंतरि की तो ये करना भी बेहद शुभ माना जाता है। तो शुभ मुहूर्त में एक तो आप ये पूजा जरूर करें, दूसरा अगर आप कोई वाहन लेना चाह रहे हैं, गाड़ी लेना चाह रहे हैं, कार लेना चाह रहे हैं, बाइक लेना चाह रहे हैं तो दोस्तों इसमें जो शुभ मुहूर्त बताया उन्हीं पे आपको धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ना सिर्फ आपकी वो गाड़ी या फिर जो भी आप चीज ले रहे हैं वो आपके लिए शुभ रहेगी, बल्कि दोस्तों आपके लिए एक तरह से ये बहुत ही अच्छा संकेत होगा कि आपकी पूरी साल आपके घर में प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। इसी के साथ इस दिन आपके पूरे घर में दीपक जलाना ना भूलें। इसकी पूजा का ब्लॉग दोस्तों बहुत जल्दी मैं शेयर करने वाली हूँ, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किस तरह से हम इसकी पूजा करेंगे तो उसका ब्लॉग बहुत जल्दी आना है, तो उसके लिए दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।